नमस्कार साथियों, एचबीएन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। कांग्रेस जहां पर 100 से लेकर 150 जनसभाएं चुनाव से पहले 2024 से पहले करने वाली है, वहीं पर आपको बता दें कि ऑनलाइन सर्वे ने और भी चुका दिया। जी हां, जहां पर भाजपा नेता घबरा चुके हैं, क्योंकि भाजपा नेता के अंदर कुछ नेता पहले से ही पार्टी छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं, वहीं पर कुछ नेता एमपी की सीट को लेकर दावेदारियां ठोक रही हैं। इसी बीच दीपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पहले ये जेजपी बीजेपी ठग बंधन था और अब लठ बंधन हो चुका है। जेजपी ने बीजेपी से लूट का लाइसेंस लिया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि बीजेपी नेता अब आपस में लड़ने लगे हैं। आपको बता दें कि हिसार लोकसभा सीट को लेकर जहां पर जेजपी चाहती है कि बीजेपी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा की 3 सीटें उन्हें दें, जिन 3 सीटों पर दावेदारी की जा रही है उनमें से हिसार मुख्य रूप से वो सीट शामिल है जहां से दुष्यंत चौटाला जी बीजेपी से टिकट चाहते हैं। इसी बीच आपको बता दें कि हिसार की सीट पर चौधरी ब्रजेंद्र सिंह भी दावेदारी ठोक रहे हैं। वहीं पर कुलदीप बिश्नोई भी बड़ा ऐलान कर चुके हैं कि हिसार की सीट से वो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अपनी जी जान लगा देंगे। वहीं पर इसी बीच बड़ी खबर ये भी आ रही है कि भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई अमित शाह से अपने बेटे को मंत्री बनाने को लेकर भी फिलहाल मुलाकात की है। लेकिन आपको बता दें कि हल्के की जनता कितना नाराज चल रही है, ये तो आप हल्के में जाकर पता कर सकते हैं कि हल्की जनता काफ़ी नाराज चल रही है भाजपा विधायक भव्य बिश्नोई से। इसी बीच बड़ी अपडेट आपको बता दें कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहाँ पर अंबाला उपचुनाव को लेकर भी बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा पार्टी अंबाला उपचुनाव से घबरा चुकी है, इसलिए अंबाला उपचुनाव जो है सरकार नहीं करा रही है। आपको बता दें कि मणिपुर में जो चीज़ घटना चल रही है उसको लेकर भी भाजपा को कटघरे में लिया दीपेंद्र सिंह हुड्डा में। आपको बता दें कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व कांग्रेस के काफ़ी नेता अपने जो है घर से घर जोड़ो अभियान चालू कर रखा है, यानी वो घर घर जाकर जनता से मिल रहे हैं और हर गांव में जनसभाएं कर रहे हैं। लगातार कांग्रेस में तेजी देखी जा सकती है। इसी बीच आपको बता दें कि बड़े ऑनलाइन सर्वे के अंदर भाजपा और जेजपी गठबंधन को 30 सीटें दिखाई गई है, वहीं पर कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 50+ सीटें दिखाई गई है, यानी 10 सीटें अन्य निर्दलीय या आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती है। अभी तक का सर्वे में कांग्रेस पार्टी यहां पर भारी बहुमत से जीत रही है। इसको लेकर आपका क्या कहना है, आप कमेंट कर सकते हैं। वहीं पर ठगबंधन और लठबंधन को लेकर आप क्या कहेंगे, बीजेपी जेजपी के बीच दो दूरियां चल रही है, उसको लेकर अपने विचार जरूर लिखे। बने रहिएगा HBN 24 न्यूज़ के साथ। लाइक एंड शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।